नमस्कार दोस्तों, मेंस पेपर वन सोसाइटी की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रीजनलिज्म की डेफिनेशन समझने से पहले हमें रीजन को समझना पड़ेगा। व्हाट इज रीजन? रीजन है क्या, आप बताइए, सोचिए दिमाग में, रीजन क्या है? रीजन एक कोई भी ज्योग्राफिकल पार्ट, वो एक देश का हिस्सा हो सकता है या फिर वर्ल्ड में विभिन्न कंट्रीज को मिलाकर भी रीजन बन सकता है, जहां पे जो लोग रहते हैं वो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लैंग्वेज हो सकती है, कास्ट हो सकती है, एथनिसिटी हो सकती है, ट्राइब्स हो सकते हैं, इवन म्यूजिक, डांस, फोक आर्ट्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कर्नाटका है, वहां पे जो लोग हैं सेम लैंग्वेज बोलते हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज, तो एक अफेक्शन है उनके बीच में, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं वो उस रीजन के अंदर में, समझ गए? तो एक ये रीजन है, एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया। तो फिर रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म का अर्थ है किसी रीजन के अंदर अगर वो लोग जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज, कास्ट, एथनिसिटी, ट्राइब्स, उन लोगों का अपने रीजन के प्रति एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, उस चीज को कहते हैं रीजनलिज्म, समझ गए? यानी कोई भी व्यक्ति जिसका अपने रीजन से बहुत ज्यादा प्यार होता है वो है रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। रीजनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि गलत है। अगर देखो कोई अपने कल्चर से प्यार करता है तो इस चीज में कोई भी बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए मैं अपनी लैंग्वेज से प्यार करता हूं, मैं अपनी कल्चर से प्यार करता हूं, लेकिन इसमें कोई भी बुराई नहीं है, अच्छी चीज है। क्योंकि रीजन, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो रीजन स्टेट ही मान लीजिए आप, कोई अपने स्टेट से प्यार करता है तो अच्छी बात है। जब तक अच्छी बात है तब तक वो अपने स्टेट से जो प्यार करता है वो दूसरे स्टेट के खिलाफ में नफरत ना हो या फिर इंडिया से नफरत ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपने स्टेट से प्यार कर रहा हूं लेकिन दूसरे जो राज्य हैं उससे नफरत कर रहा हूं और इंडिया से भी नफरत कर रहा हूं। वो रीजनलिज्म देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, समझ गए? डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। रीजनलिज्म सिंपल डेफिनेशन है, अगर कोई अपने स्टेट से, क्योंकि वैसे तो रीजन की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे देश में रीजन का संदर्भ स्टेट से ही है, स्टेट से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपनी लैंग्वेज से प्यार करता है, कल्चर से प्यार करता है, तो वो है रीजनलिज्म। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का है। पॉजिटिव, अच्छी चीज है, कोई कल्चर से प्यार कर रहा है तो कम से कम सारे जो कल्चर्स हैं हमारे देश का हिस्सा है, हमारी विरासत है, हेरिटेज है। लेकिन अगर उसका प्यार इस कदर अंधा है कि वो दूसरे राज्यों से नफरत करने लगता है या फिर इंडिया से भी नफरत करने लगता है, वो रीजनलिज्म बहुत ज्यादा बेकार है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद कई फॉर्म्स का हो सकता है। सबसे पहली जो फॉर्म है, अलग से मांग की जाती है, किसी राज्य में मांग उठती है कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, यानी इंडिया के अंदर ही हमें ऑटोनॉमी दी जाए। देखो अगर इस तरह की जो मांग है वो संविधान के दायरे के अंदर है तो कोई बुराई नहीं है। जैसे गोरखालैंड में भी अलग से राज्य की मांग चल रही है, संविधान के दायरे में है, पीसफुल ढंग से वो अपनी बात रखते हैं, तो इस चीज में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी मांग करता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे उल्फा मान लीजिए, उल्फा का एक धड़ा मांग कर रहा है कि उन्हें आजादी चाहिए, कश्मीर की बात कर लीजिए, कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के खिलाफ में है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, समझ गए? शांतिपूर्वक ढंग से अगर अलग से राज्य की मांग होती है तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मांग लीजिए, संविधान के अनुसार आपकी मांगों पे विचार किया जाएगा, डेमोक्रेसी है, हर कोई मांग कर सकता है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाओगे, भारत से अलग होने के लिए आप हथियार उठाओगे, तो वो जो चीज है उसको फिर कानून कार्रवाई करेगा, मिलिट्री कार्रवाई करेगी, हमारे देश की गवर्नमेंट, जो भी उचित कार्रवाई होगी संविधान के अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। अब तीसरे नंबर पे, अब जैसे देखो कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट था तमिलनाडु में और कर्नाटका के जो लोग थे, सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए कावेरी रिवर को लेकर जो डिस्प्यूट था। इवन बेंगलोर के अंदर राइट्स हुए तमिल लोगों के खिलाफ में और चेन्नई में भी राइट्स हुए कन्नड़ लोगों के खिलाफ में। ये गलत है, ये बहुत गलत है, क्योंकि एक राज्य के लोगों का, एक रीजन के लोगों का नफरत है दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे रीजन के प्रति, ये रीजनलिज्म गलत है। अब देखो क्वेश्चन एक बड़ा यूं उठता है कि रीजनलिज्म आखिर आता क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि कोई अपने स्टेट से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है लेकिन दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है। फिलहाल नेगेटिव रीजनलिज्म की ही बात करेंगे हम, पॉजिटिव रीजनलिज्म तो हमने ये कह के छोड़ दिया, अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं। लेकिन नेगेटिव रीजनलिज्म जो होता है वो क्यों होता है, कौन कौन से रीजन्स हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, सोशियो कल्चर फैक्टर्स। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, हमारे देश में हर
40 किलोमीटर आगे जाने के बाद में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, डायलेक्ट आ जाती है, कास्ट चेंज हो जाती है, तो इन सब कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं। और वो डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो उन लोगों को, उन कॉन्सेंट्रेटेड लोगों को जो एक ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर रहते हैं, एक धागों में पिरो देती हैं, उनको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, फिर उस आइडेंटिटी में वो अपनी सहूलियत तराशते हैं। तो इसी वजह से सोशियो कल्चरल फैक्टर की वजह से रीजनलिज्म की जो भावनाएं हैं वो इमर्ज होकर आती हैं। लिख लीजिए आप सोशियो कल्चर फैक्टर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो कई बार ऐसा होता है, आप हमारे देश का एग्जांपल लें तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पर्याप्त रूप से आज़ादी के 70 साल बाद भी डेवलप नहीं हो पाए हैं, इसीलिए अलग से राज्य की मांग उठने लगती है। या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो डेवलपमेंट के नाम से इंडिया से अलग होना चाहते हैं। तो एक ये रीज़न है कि पर्याप्त अंडर डेवलपमेंट होना, जिसकी वजह से रीजनलिज्म की जो भावनाएं हैं वो इमर्ज होकर आती हैं। तीसरे नंबर पे पॉलिटिकल फैक्टर्स। सबसे हमने देखा था कि किस प्रकार से जो सांप्रदायिकता है वो पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से सबसे ज़्यादा फैलती है। रीजनलिज्म भी पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से सबसे ज़्यादा फैलता है। इलेक्शंस के टाइम पे वोट्स मोबिलाइज करने के लिए, रीजन के लोगों को इकट्ठा करने के लिए ताकि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में मतदान करें, उनकी भावनाओं को एक्सप्लोइट किया जाता है। उन्हें तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं कि अगर हम इंडिया से अलग हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, हमें डेवलपमेंट आ जाएगी, समझ गए। तो एक ये फैक्टर है। उसके बाद में चौथे नंबर का फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर कहता है कि जो स्टेट्स साथ साथ हैं उनमें ऑटोमेटिकली एक तरह की सिमिलर सी फीलिंग्स आ जाती हैं, यूनिकनेस जैसी, टुगेदरनेस जैसी। जैसे उदाहरण के तौर पे आज़ादी के बाद में 10-20 साल तक अलग से साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु ने एक मूवमेंट चलाने की कोशिश की थी, द्रविड़ नाडु, यानी अलग से एक देश बनाया जाए 4 साउथ इंडियन स्टेट्स का। तो एक ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है जिसकी वजह से भी टुगेदरनेस, यूनिकनेस, ओरिजिनलिज्म जो है वो आ जाता है। उसके बाद में हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्ट्री का हवाला देते हुए कुछ लोग जो हैं भ्रांतियाँ फैलाते हैं, मिथ फैलाते हैं कि हम हमेशा से अलग रहे हैं इसलिए जो 1947 का विभाजन हम पे लागू नहीं होता, इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स के नाम पे। तो ये छठा फैक्टर आप कह सकते हो हिस्टोरिकल फैक्टर। लास्ट में पॉपुलेशन फैक्टर। देखो पॉपुलेशन वैसे बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये भी एक फैक्टर, डायरेक्ट नहीं कह सकते आप, इनडायरेक्ट कह सकते हो कि ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो और भी ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है, सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो ये 6-7 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रीजनलिज्म जो है वो रहता है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आज़ादी के बाद से कैसे रीजनलिज्म हमारे देश में आया है। देखो आपको याद होगा हमने जो इंटीग्रेशन का टेप्चर था, कैसे आज़ादी के बाद में जो डिफरेंट राज्य है इंटीग्रेट हुए लैंग्वेज के आधार पर या फिर दूसरे बेसिस पे, हमने ये डिस्कस किया था कि 1952 में एक मूवमेंट चली थी आंध्र प्रदेश में। श्रीमालू जो गांधीवादी थे उन्होंने फास्ट किया था, व्रत रखा था 52 दिनों तक, अलग से वो अपना राज्य चाहते थे तेलुगु लोगों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। और बाद में नेहरू ने स्वीकार कर लिया था कि लैंग्वेज के आधार पर अलग से राज्यों की घोषणा होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था 1956 के अंदर। उसके बाद में महाराष्ट्र में मूवमेंट चली, फिर महाराष्ट्र में अलग से राज्य बनाया गया था 1960 में। टाइम टाइम पे ये इस तरह की मूवमेंट चलती रही, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब में 1984 में मूवमेंट चली खालिस्तान के रूप में, बोडोलैंड के रूप में, असम में मूवमेंट अभी भी चल रही है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। इस तरह के जो मूवमेंट हैं हमारे देश में चलती रही हैं टाइम टू टाइम, चाहे तेलंगाना में हो या फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया द्रविड़ नायडू की मांग हो 1960s में जो डीएमके पार्टी ने चलाई थी। एक बड़ा क्वेश्चन अब ये उठता है कि जो रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद कैसे हानिकारक है हमारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए, हाउ इट इज़ हार्मफुल। तो कई सारे फॉर्म में ये हार्मफुल है। एक तो देखो आप इंटरनेशनल पॉलिसी का आसान सा एग्जांपल ले सकते हो। सबसे पहले देखो जब तमिल इशू काफ़ी सुर्खियों में था 2013 की ये बात है, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह श्रीलंका जाने वाले थे, लेकिन तमिल जो पार्टी है डीएमके वो कोलिशन पार्टनर थी यूपीए की, हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका नहीं जा पाए थे और डिप्लोमेसी के लेवल से ये काफ़ी ख़राब डिसीजन था, लेकिन डीएमके पार्टी ने फोर्स कर दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका में ना जाएं। तो ये एक रीजनलिज्म था। जब रीजनलिज्म की वजह से बेकार के फॉरेन पॉलिसी में डिसीजंस लिए जाते हैं तो ये एक स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद में रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद की वजह से अगर डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में लड़ते हैं
तो नुकसान किसका होता है? देश का होता है, देश के लोग सफर करते हैं, डेवलपमेंट सफर करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है, मान लीजिए अभी कोई पार्टी सत्ता में है, कोलिशन गवर्नमेंट है, काफ़ी सारे अलायंसेज हैं, तो किसी एक अलायंस का कोई मंत्री अपने रीजन में ही सारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स लेके जाता है, बाकी जो देश है वहाँ पे अगर जरूरत है तो भी प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जाते, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, समझ गए? तो पूरे देश में जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब MSP की बात कर लीजिए, गन्ने का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसी एक रीजन को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाकी जो रीजन्स है वहां पे उतनी आवश्यकता नहीं है गन्ने की जिस उस पर्टिकुलर एक रीजन को है। ऐसी बात नहीं है कि उस रीजन को उसका हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बाकी रीजन्स जो हैं वो सफर नहीं करने चाहिए। लेकिन इस रीजनलिज्म के मुद्दे के चलते एक रीजन को तो फायदा होता है, वहां होना भी चाहिए, वहां के भी किसानों को जरूरत है, लेकिन बाकी जो किसान हैं वो सफर करते हैं, उनको उनके जो लाभ मिलने चाहिए, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए, वो अधिकार कई बार उनको नहीं मिल पाते, समझ गए? यानी फायदा सबका होना चाहिए लेकिन नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। अब एक थ्योरी बताता हूं आपको, सन ऑफ द सोइल थ्योरी। क्या है ये थ्योरी? जब देखो, ये भी एक वैसे रीजनलिज्म की फॉर्म है, जब कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन उस पे उन्हीं लोगों का हक है जो मेजर लैंग्वेज वहां पे बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, महाराष्ट्र का आप एग्जांपल ले सकते हैं। मुंबई में कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ में काफ़ी जो है वायलेंस होता है, तो वहां पे इस प्रकार की मांग जो आती है कई बार कि मेन जो मुंबई के रिसोर्सेज हैं, मुंबई की जॉब्स है, वहां पे उन लोगों का हक ज्यादा है जो यहाँ पे हमेशा से रहते आए हैं और जो मेजर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इस केस में मराठी, यानी मराठी लोगों का ज्यादा हक है महाराष्ट्र पे, मुंबई पे। सिर्फ महाराष्ट्र का एग्जांपल आप नहीं ले सकते, मतलब हर एक स्टेट का एग्जांपल ले सकते हो, समझ गए? यानी अगर हरियाणा में कोई कहता है कि हरियाणवी जो इस्तेमाल करता है उसका हक है इन सभी रिसोर्सेज पर जो हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर जॉब्स हैं, तो ये भी सन ऑफ द सोइल थ्योरी है। पंजाब के अंदर ऐसा ही, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, सभी स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो सन ऑफ द सोइल थ्योरी क्यों होती है, क्यों लोग ऐसा कंसेप्ट देते हैं और ज्यादा कहां होती है? एक तो देखो, जॉब्स की आजकल बहुत ज्यादा कमी है, कंपटीशन काफी ज्यादा है, इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इस माटी के लाल हैं, इसीलिए हमारा अधिकार है यहां की जॉब्स के प्रति। उसके बाद में ये शहरों में ज्यादा होता है, क्योंकि जॉब्स तो शहरों में ही होती है ना ज्यादा, गांव में इसलिए सन ऑफ द सोइल थ्योरी ज्यादा नहीं देखने को मिलती। इसके लिए हमारी इकोनॉमी भी जिम्मेदार है, इनफ जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही है हमारी इकोनॉमी, और लोगों के एस्पायरेशंस हैं वो बढ़ रही हैं, लोग ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, इसी वजह से इस प्रकार की जो थ्योरी है सन ऑफ द सोइल, माटी के लाल वाली थ्योरी निकल के आती है और रीजनलिज्म और ज्यादा बढ़ता है। अब सॉल्यूशंस क्या है, कैसे क्षेत्रवाद को, रीजनलिज्म को कम किया जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस ढूंढना हमेशा आसान होता है, जो भी हमने समस्याएं डिस्कस करी उनके खिलाफ में पॉइंट्स आप दे सकते हो। देखो, इतनी मैच्योरिटी तो आपके अंदर आ गई है, उन सभी के जो सॉल्यूशन है आप आसानी से दे सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप मन में सोच के देखना, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आने लगेंगे। देखो, पॉलिटिकल लीडर्स काफी बार मोबिलाइज करते हैं इलेक्शन से पहले लोगों को रीजनलिज्म के नाम पे, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम पे जो उस रीजन में है, चाहे वो लैंग्वेज हो, कल्चर हो या फिर दूसरी चीजें हो। तो इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन ले सकता है, सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है, जो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951 है उसमें कोई प्रोविजन हो सकता है कि रीजनलिज्म के नाम पे, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब के नाम पे कोई भी पॉलिटिकल हेट पॉलिटिकल स्पीच ना दी जाए या फिर इन मुद्दों को ना इस्तेमाल किया जाए इलेक्शंस में। अब जैसे धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे जा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट आया था, तो इस मुद्दे पर भी किसी प्रकार का वर्डिक्ट आ सकता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम इंटरफेरेंस करनी होगी स्टेट्स के अंदर, क्योंकि स्टेट्स को ऐसा ना लगे कि हमारे हक छीने जा रहे हैं। और डिफरेंट जो ऐसे स्टेट्स जो अपने आप को अंडर डेवलप महसूस करते हैं, जो ऐसा कहते हैं कि हमारे जो वहाँ पे रीजन है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया है, तो वहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। इसके अलावा तो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, एजुकेशन के अंदर भी नेशनलिज्म के जो चैप्टर्स हैं वो ऐड किए जाएँ, ताकि रीजनलिज्म की ज़्यादा भावनाएँ जो हैं वो इनकलकेट ना हो बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक आइडिया सुनाई दे जिसका नाम है इंडिया, समझ गए? तो इस प्रकार की चीज़ें करने की आवश्यकता है। अभी हमारे फिलहाल संविधान में काफ़ी सारे प्रोविजन्स हैं रीजनलिज्म की टेंडेंसीज को काउंटर करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप इवन 73rd, 74th अमेंडमेंट ले लीजिए, जो लोकल पंचायत को एम्पावर किया गया है, या फिर आप इंटरस्टेट काउंसिल मान लीजिए आर्टिकल 263 के तहत में जो बनाई गई है, जोनल काउंसिल्स बना लीजिए, मान लीजिए पैसा मान लीजिए, ये सारे के सारे जो प्रोविजन्स हैं
वो रीजनलिज्म की टेंडेंसीज को काउंटर करने के लिए है। 1961 में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई थी नेहरू ने, वो भी रीजनलिज्म को काउंटर करने के लिए थी। इवन वो तो डिफरेंट जो धर्म थे उनके लोग आपस में लड़ रहे थे, उसको भी काउंटर करने के लिए थी। लेक्चर खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दूंगा, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा वो क्वेश्चन। आगे से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि कम से कम लेक्चर का फायदा हो, आप भूले ना चीजें। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपको अभी एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, तो क्या वो हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए नुकसानदायक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी सारी जो डाइवर्सिटीज हैं, इतनी सारी विभिन्नताएं हैं हमारे देश के अंदर, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र उन सभी डाइवर्सिटीज को एक धागे में पिरो रहा है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कैसे? देखो, इंडिया के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज तो हैं, लेकिन कोई भी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है कि वो इंडिया के आइडिया को चैलेंज करे। सभी कम्युनिटीज को लोकतंत्र के अंदर अपना अपना हक मिल जाता है। कन्नड़ की बात कर लीजिए, कर्नाटका की, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, वहां पे जो सरकार है तमिल्स की है, कर्नाटका में सरकार कन्नड़ा की है। तो लोगों को लगता है कि ठीक है, चल रहा है कि सेंटर पे एक पूरा इंडिया का आइडिया है, लोकल हम अपने आप को सेल्फ गवर्न कर नहीं रहे हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। इसी की वजह से पाकिस्तान होमोजेनाइज होने की वजह से टूट गया था, लेकिन हम डेमोक्रेसी की वजह से, डाइवर्सिटीज की वजह से हमारा देश आज भी, हमें गर्व है कि चल रहा है। ये तब है जबकि वेस्टर्न कंट्रीज ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारा देश आजादी के बाद टूट जाएगा। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। अब लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो आपको अटेम्प्ट करना है। यह क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यूपीएससी ने पूछा था 2013 में। ग्रोइंग फीलिंग्स ऑफ रीजनलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट, डिस्कस। देखो, लेक्चर सिर्फ आपको एक आइडिया प्रोवाइड करेगा, आप खुद का दिमाग इस्तेमाल करके इस लेक्चर की एप्लीकेशन की सहायता से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे आसानी से। ऐसा मत सोचो कि सारे आइडियाज जो हैं सिर्फ लेक्चर में आपने सुने हैं, बस वही लिखोगे आप इस क्वेश्चन के अंदर। अगर सिर्फ वही लिखोगे तो क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो लेक्चर को सिर्फ एक बेस बनाइएगा, एक सोचने की थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो गई है, अब उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।